कोटाहाट जेल में है, जिसका नाम राजकुमार है, जो 21 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वो आपका भाई भी उसमें जेल में चला गया है, उसकी क्या है, किसी ने जमानत के अब तक कोई प्रयास किए हैं नहीं किए हैं? मैं उससे कल मिली थी तो मैंने पूछा था कोई जमानत मतलब वकालत पे साइन वगैरह करे हैं, तो वो कह रहा नहीं, हम लोगों से तो अभी कोई मिलने आया नहीं है, जब से हम लोग जेल में आए हैं तो कोई मिलने आया नहीं है। लेकिन वो तो मुझसे खुद पूछ रहा था कि हम लोग कब बाहर आएंगे, तो मैंने कहा सब लोग लगे हुए हैं बाहर, लेकिन यही कह रहे हैं कि 3 तारीख को आप लोगों की पेशी होगी, जब पता लगेगा हमें कुछ कि क्या होगा। अच्छा, जो बहुत सारे नेता हैं हमारे, जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो छाड़ में लोग जेल गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ था रविदास जी मंदिर के लिए, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उनकी जमानत हो जाएगी, क्या लगता है, क्या नेता आपसे बातचीत कर रहे हैं कोई? हमारे पास तो अभी तक किसी का कोई मतलब मैसेज नहीं आया है, ना कोई हमारे पास आया है अभी तक। हाँ, बस यही कह रहे हैं कि हाँ जल्द से जल्द उन लोगों को निकालेंगे। भीम आर्मी के वकील जो कह रहे हैं कि हम जमानत करवा रहे हैं सबकी, क्या उनकी उनसे कोई बात है अभी? नहीं, हमने तो बस वही यूट्यूब पर देखा है, तो वकील ऐसे कह रहे हैं कि 3 तारीख को पेश होंगे, जब ही पता लगेगा कि मतलब कोर्ट क्या जवाब क्या दे बोलती हैं। अपने भाई से मिलने गए थे, कौन सी जेल में आप गए? हाँ जी, मिलने गई थी। कौन सी जेल में? तिहाड़ में, 4 नंबर में। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से, मंगोलपुरी से। घर में कौन कौन है कमाने वाले? कमाने वाला तो भाई था, और तो कोई है भी नहीं। पापा हैं, वो बुजुर्ग हैं, और दो भाई बहन मन बुद्धि हैं, जिससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। भाई अभी तक है नहीं, भाभी प्रेग्नेंट है। कौन कौन? मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। वो 3 बार जा के परेशान हो गई, उनका नाम गलत हो गया, नेहा तो नीरज नाम है, वो मिल भी नहीं पा रही है कि कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना। अच्छा, घर में छोटा बच्चा है, वो भी पूछता रहता है कि पापा कब आएंगे। जो नेता हैं, जो बहुजनों के नेता हैं, वो कहते हैं कि हम उनकी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने वकील कर ली है मुफ्त में, क्या लगता है, क्या वाकई में सच्ची बातें हैं उन नेताओं की? मैंने वहाँ पे कई लोगों को, एक दो जनों को देखा, तो वो वकालनामे पे साइन करवा रहे थे अपने बच्चे से। मैंने कल अपने भाई से पूछा, मैंने कहा तेरे पास कोई साइन करवाने के लिए आया है? तो उसने बोला नहीं, मेरे पास कोई साइन करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन जो ये आंटी साइन करवा रही है, तो वकीलों ने हमसे कोर्ट में ही साइन करवा लिए थे सबके। अब वो यही कह रहे थे कि यही वाले पर्चे हैं, और लेकिन कोर्ट में उनसे कोई मिलने नहीं गया, वो जेल में कोई मिलने नहीं गया उनसे। घर में दाना पानी कैसे चल रहा है? बस अच्छा, ये बताइए, जो और लोग जमानत अपनी करवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं कोर्ट की, क्या आपने उनसे कभी बात की कि हम कैसे करवाएंगे अपने भाई की जमानत, हम किसका सहारा लें, कहाँ से कागजी कार्रवाई शुरू होगी? बात करें तो फ़ोन बिजी जाता है, फ़ोन नंबर भी नहीं मिलता है। कई बार फ़ोन किया है मैंने भी, तो फ़ोन मिलता नहीं है। और वकील से हम खुद मिले थे, तो वो कह रहे थे कि आप अभी वेट करो, सब लोगों की बेल में लगे हुए हैं। जो आपके भाई जेल में बंद है, उनकी कितनी उम्र है, वो क्या करते थे? वो 38 साल का है कम से कम। अच्छा, आज आप जंतर मंतर आए हैं, यहाँ बहुत सारे नेता आए हैं, बहुजन नेता भी हैं और दलित नेता भी हैं, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या लगता है, कोई आपको आशा दिखाई दी यहाँ पर नेताओं से मिलकर अभी तक? अभी हमसे तो कोई नेता मिले ही नहीं है जिससे हमारी कोई बात हो। अच्छा, जो क्या लगता है आपको, जो बहुजन नेता है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, नहीं कर रहे हैं? हमसे तो अभी किसी ने फोन करके ये भी नहीं पूछा कि आपका भाई तिहाड़ जेल में है या नहीं है, किसी का कॉल भी नहीं आया। मैंने कल भाई से पूछा, मैंने कहा तूने नंबर लिखवाया था हमारे घर का, तो हमारे पास तो किसी का फोन नहीं आया। वो तो मैं खुद प्रदर्शन में थी, तो उस दिन मेरा भाई आया नहीं, तो मैं रात भर परेशान रही, मैंने कहा हम लोग आ गए, वो क्यों नहीं आया? तो जाके सुबह मैं खुद ही मतलब मुझे इन्होंने बताया, कैलाश निर्मल जी ये हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और हमें जहाँ जहाँ जाना पड़ रहा है, तो ये हमारे कैलाश निर्मल जी हमारे यहीं से हैं, ये भी प्रदर्शन में थे, तो यही हमें लेके गए थे। तो हम फिर उसके बाद हम कभी साकेत कोर्ट गए, कभी गोविंदपुरी गए, फिर कालका जी गए, जब जाके हमें पता लगा कि मेरा भाई वहाँ पर है। अच्छा, कोई आपको सहारा नहीं दे रहा है इस पूरे मामले में, तो आपने अपनी तरफ से अभी तक खुद से कुछ प्रयास किए हैं अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाने के लिए? बस अभी तो हम मिलकर ही आए हैं, और प्रयास हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, सब लोग एक साथ में ही आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी, और मेरे लड़के का नाम राजकुमार है, और मंगोलपुरी से हैं हम लोग।
अच्छा सर, आपके बेटे तिहाड़ जेल में बंद है, जो 21 तारीख को आंदोलन हुआ था जी रविदास जी के मंदिर के लिए जी, क्या लगता है क्या जो संगठन है बहुत सारे हमारे देश में बहुजनों के नाम पर संगठन चल रहे हैं जी, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? आपको बेटे सपोर्ट के आसपास आश्वासन तो दे रहे हैं, सब मिलते हैं वकील, हम किसी को सिकंद से पहचानते हैं, वहाँ जाते हैं फोन मिलाते हैं, किसी का फोन मिलता नहीं, हम तो अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं, कभी जाते हैं साकेत कोर्ट जाते हैं, कभी जेल जाते हैं, तो जेल में हमारी दो बार मुलाकात हुई है, हमारी और लड़की की बहू की मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ नाम गलत लिखे गए हैं, लोग कह रहे थे 10 लोगों के नाम लिखे जाएंगे, वो कह रहे एक तो एक महीने बाद नाम लिखे जाएंगे, मैंने एक महीने तक तो ये बच्चा रहेगा ही नहीं, हम तो इसकी वेडनेस करा लेंगे जमानत वगैरह, तो वो कह रहे अकेले की जमानत नहीं होगी, होएगी तो सारे एक साथ होगी 96 लोगों की, तो इस तरीके से फिर लौट आते हैं, पैसे भी ख़राब होते हैं हमारे, जाते हैं गाड़ियों से स्कूटरों से बस से जैसे भी हमसे सुविधा मिलती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।